हेलो दोस्तों, ये है पार्ट टू चैप्टर 10 का, जो कि है कोस्टल लैंडफॉर्म्स के ऊपर। पिछले चैप्टर में हमने देखे थे कोस्टल फीचर्स ऑफ इरोजन, और अब हम देखेंगे कोस्टल फीचर्स ऑफ डिपोजिशन, जो कि मटेरियल डिपॉजिट होने के कारण बनते हैं। पहला है बीचेस। बीचेस हम सभी जानते हैं, जैसे लोग इंजॉय करने के लिए बीचेस पर जाते हैं समुद्र के किनारे पर। तो ये बीचेस बनते कैसे हैं? जो भी सैंड और ग्रेवल और जो भी महीन पार्टिकल्स होते हैं, जो वेव्स लेकर आती हैं और जमा कर देती हैं समुद्र के तट पर, उससे बनते हैं बीचेस। और ये जो मटेरियल डिपॉजिट होता है, ये अलग अलग तरीकों से डिपॉजिट होता है। उसमें से एक है लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट। अगर कोई वेव है वो एक एंगल पे आ रही है किसी समुद्र के तट पर, तो जो मिट्टी है उसको तो वो एक एंगल पे लेकर आएगी, और जब वो वेव वापस जाती है बैक वॉश में, तब वो मिट्टी को खींचती हुई ले जाती है, लेकिन ये सीधी डायरेक्शन में पीछे को आती है। तो मिट्टी लेकर तिरछी आती है और वापस लेकर सीधी जाती है, तो कुछ इस तरह की शेप बन जाती है। और ये जो वेव्स का एक्शन है, मटेरियल लेके आना और फिर वापस बैक वॉश के साथ जाना, इसके थ्रू वो सॉर्टिंग भी कर देती है। सॉर्टिंग यानी कि जो भारी पार्टिकल्स हैं वो आगे तक आ जाते हैं और वापस नहीं जा पाते, और जो फाइनर पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा पीछे को रह जाते हैं। अगला फीचर जो है वो है स्पिट्स एंड बार्स। अब अगर किसी समुद्र के किनारे पर कोई अंदर को कटा हुआ हिस्सा हो, जैसे कि बेज में होता है, तो जो हमारी लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट्स आती हैं एक एंगल पे, वो एक अलग तरीके से मटेरियल को डिपॉजिट करती हैं। वो मटेरियल डिपॉजिट करती हैं और फिर थोड़ा सा घूम जाती हैं, फिर मटेरियल डिपॉजिट करती हैं, फिर घूम जाती हैं, तो कुछ इस तरह की शेप बन जाती है, जिसे हम स्पिट कहते हैं। और इसमें जो बिल्कुल आगे का हिस्सा झुका हुआ होता है, उसे हुक कहते हैं। अगला फीचर है मरीन ड्यून्स। कई बार जब आंधी आती है समुद्र से, तो वो ये जो कोस्ट के ऊपर सैंड जमा है उसको भी उठाकर अंदर लैंड की तरफ ले जाती है, और वहां पे ड्यून्स बन जाते हैं। जैसे रेगिस्तान में ड्यून्स बनते हैं, वैसे ही लैंड के ऊपर ड्यून्स बन जाते हैं, जिन्हें मरीन ड्यून्स कहते हैं। ये अंदर आके सड़कों को, खेतों को और पूरे के पूरे विलेजेस को भी कवर कर सकते हैं। अब ड्यून्स आगे ना बढ़ सके, इसके लिए सैंड बाइंडिंग स्पीशीज होती हैं ग्रासेस की, जैसे कि मरम ग्रास है या पाइन्स हैं, उन्हें लगा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोस्ट की, या फिर अलग तरह के किनारे। ये दो कैटेगरीज में होते हैं, कोस्टलाइंस ऑफ सबमर्जेंस, जो कि लैंड के नीचे धस जाने के कारण या फिर समुद्र के ऊपर उठ जाने के कारण बनते हैं, और दूसरे होते हैं कोस्टलाइंस ऑफ इमर्जेंस, जो कि जमीन के उठने के कारण या फिर समुद्र के नीचे चले जाने के कारण या पीछे चले जाने के कारण बनते हैं। अब एक एक करके इनको देखते हैं। कोस्टलाइंस ऑफ सबमर्जेंस में पहला है रिया कोस्ट। अब जब आइस एज थी, तो बहुत सारा जो पानी था वो आइस की फॉर्म में जमा था, पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो ये आइस पिघलने लगी और पानी समुद्र के अंदर जो है वो ज्यादा बढ़ने लगा, जिसके कारण समुद्र का लेवल जो है वो ऊंचा उठ गया। तो जो पुराने किनारे थे वहां पे समुद्र आगे बढ़ गया। अब कई जगह पे किनारों पर जो पहाड़ थे वो अब समुद्र के नीचे आ गए, और आज के समय में हमें उनका बस ऊपर का हिस्सा नजर आता है। अब कोई ऐसे इलाके थे जहाँ पे जो पहाड़ थे वो सी के राइट एंगल पे थे, तब समुद्र के आगे बढ़ने पर वैलीज में तो पानी भर गया और जो पहाड़ों की चोटियां थी वो रह गई, वहां तक पानी नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे कोस्ट्स को हम रिया कोस्ट कहते हैं। अगला है फियॉर्ड कोस्ट्स। ये जो है ग्लेशियल ओरिजिन के होते हैं। यहाँ पे कभी ग्लेशियर्स अपना रास्ता बनाया करते थे, अब ग्लेशियर्स चले गए और वहाँ पे वैलीज आ गई, और फिर उन वैलीज में समय के साथ जब समुद्र का लेवल बढ़ा तो पानी भर गया और इस तरह के फ्योर्ड्स बन गए। वैसे तो इनकी गहराई बहुत ज्यादा होती है, पर एक शैलो रीजन भी होता है जो कि थ्रेशहोल्ड तक जाता है। अगला है डालमेशियन कोस्ट। अगर जो पहाड़ियाँ थी समुद्र के किनारे वो राइट एंगल पे ना होकर पैरेलल रही हो, तो डालमेशियन कोस्ट बनते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ा और यहाँ भी पानी भर गया और सिर्फ पहाड़ों की चोटियां रह गईं, जो कि पैरेलल हैं समुद्र के किनारे के। और आखिरी है एस्टुएराइन कोस्ट। कई बार समुद्र का लेवल बढ़ने पे जहाँ पे नदी का मुंह था समुद्र के ऊपर खुलता, वो भी समुद्र के पानी से और ज्यादा सबमर्ज हो जाता है, यानी समुद्र का पानी आगे बढ़ जाता है नदी के मुंह की तरफ। तो नदी के मुंह पे कई सारे एस्टुरीज बन जाते हैं, जो कि एक फनल की तरह नजर आते हैं, और ये पोर्ट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी साइट बन जाती है। इसका एग्जांपल है एस्टुरीज ऑफ थेम्स, एल्ब एंड प्लेट। अब हम बात करेंगे कोस्टलाइंस ऑफ इमर्जेंस, यानी कि जमीन के उठने के कारण या समुद्र के पानी के कम होने के कारण बनने वाले कोस्ट्स। इसमें पहला है अपलिफ्टेड लोलैंड कोस्ट। अगर जमीन का जो हिस्सा है वो अचानक ऊपर उठ जाता है, तो एक स्मूथ सा कोस्ट बन जाता है, जो कि जेंटली स्लोप करता है,
नीचे की तरफ। इसमें लैगून्स, मार्शेस और मर्ड फ्लैट्स बनने की संभावना ज्यादा होती है। कई बार जब समुद्र ऐसे आगे बढ़ जाता है या जमीन ऊपर को उठ जाती है तो जो पहले पोर्ट्स हुआ करते थे वो अब एक शहर का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि वो जमीन के अंदर के इलाके में पहुंच जाते हैं, समुद्र आगे बढ़ जाता है। ये तो था लो लैंड कोस्ट। दूसरा है इमर्जेंट अपलैंड कोस्ट। कई बार अगर अर्थ की ही फॉल्टिंग हो जाए या फिर अर्थ की मूवमेंट हो जाए तो पूरा का पूरा एक प्लेट्यू की तरह एरिया ऊपर को उठ जाता है। इसमें एक रेज्ड बीच पाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि एक ऊंचे इलाके पे बीच है और समुद्र आगे है। जो अपलैंड कोस्ट है वो काफी सीधा होता है और अचानक ये खाई की तरह आ जाती है जिसके आगे समुद्र होता है। यहाँ पे पोर्ट बनाने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसा हमें वेस्टर्न कोस्ट ऑफ डेकन इंडिया में देखने को मिल जाता है। जो रेज्ड बीच है वहां तक अब वेव्स नहीं पहुंच पाती, लेकिन इसमें जो पहले के टाइम के आर्चेस, स्टैक्स वगैरह थे या कोस्टल फीचर्स थे वो अभी भी देखने को मिल जाते हैं। तो यही हमारा खत्म होता है चैप्टर 10। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो पे कमेंट जरूर करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।